हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रमोद डाका और मेरे साथ है महेंद्र रोहत सर। तो डियर, हम आपके लिए आज इस सेशन में हमारी जेई की 20वीं गुरु नीति लेकर आए हैं, जिसमें हमारा जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो कैपेसिटर रहेगा। सो स्टार्ट करें सर। जी सर, चलिए। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है दैट फिगर शोज टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड जॉइंड टू ए बैटरी। द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एज वन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द ब्रांच कंटेनिंग द कैपेसिटर्स। ओके, ये ग्राफ अपने को दिखाया गया है यदि कोई ऑब्जर्वर लेफ्ट टू राइट मूव करता है तो इन दोनों से एक चीज तो क्लियर है कि ये जो डेल्टा V1 है एंड दिस वैल्यू इज डेल्टा V2, दिस डेल्टा V1 इज ग्रेटर देन डेल्टा V2, और ये दोनों कैपेसिटर्स जो है ये अपने पास पैरेलली कनेक्टेड है। यस सर। तो यदि अपन बोले तो इन पे जो चार्ज रहेगा वो चार्ज सेम रहेगा। यस सर। अच्छा, चार्ज तो सेम रहेगा। दूसरा, यदि मैं इनके पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूं तो जैसा रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है वैसा कैपेसिटर्स में सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। यस सर। और इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जब इनके अक्रॉस अपन पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है VC2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। yes. और डेल्टा V2 जो आता है दैट इज VC1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो बहुत डेफिनेटली अपन रेशियो कैलकुलेट करें तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि साहब C2 जो है अपना दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन C1। मतलब कैपेसिटर यदि लेसर होगा तो उसके पोटेंशियल उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हायर होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज द थर्ड वन। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी इन अरेंजमेंट्स ऑन इन फिगर विल बी। देखो यहां पे दो कैपेसिटर गिवन है, इन दोनों की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड। अब थोड़ा सा इसको क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए सर्किट को कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जबकि एक्चुअली अगर अपन बात करें इस पॉइंट को हम एक पोटेंशियल देते हैं V1 और इस पॉइंट को हम पोटेंशियल देते हैं V2। तो देखो इसी V1 पोटेंशियल के साथ में ये एक कैपेसिटर जो है उसका एक प्लेट और इसका दूसरा V2 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और इससे दूसरे कैपेसिटर की बात करें, ये 5 माइक्रोफेरेड था और 6 माइक्रोफेरेड जो है उसका एक टर्मिनल V1 से कनेक्टेड है, ये लो ये 6 माइक्रोफेरेड हो गए, और इसका दूसरा टर्मिनल जो है वो देखो किससे V2 से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया और ये हाँ V1 और V2 के साथ में आप बैटरी से कनेक्टेड है तो वो पोटेंशियल V के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे C इक्वलेंट क्या हो जाएगी, 5 प्लस 6 is equal to 11 microfarad. अपने को क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, तो Q is equal to क्या हो जाएगा, C into V, C equivalent, तो 11 microfarad into 10 volt, कितना हो जाएगा 110 microcoulomb चार्ज सप्लाई बाय बैटरी को। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया दैट फिगर शोस टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू ए बैटरी थ्रू ए स्विच S। मतलब इनिशियली ये स्विच क्लोज्ड है और ये दोनों कैपेसिटर जो आइडेंटिकल हैं ही बैटरी से कनेक्टेड। यस सर। सेकंड में बोला जा रहा है इनिशियल द स्विच इज क्लोज सो दैट द कैपेसिटर्स आर कंप्लीटली चार्ज्ड, मतलब इस पे भी चार्ज CV और इस पे भी चार्ज CV। द स्विच इज नाउ ओपनड एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइइलेक्ट्रिक ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। इसको ओपन किया, इसका मतलब इस पे तो चार्ज कांस्टेंट हो गया। yes, sir. और इस पे पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया क्योंकि ये बैटरी से अभी भी कनेक्टेड है। अच्छा जी, फिर बोल रहा था रेशियो ऑफ इनिशियल टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर्स टू द फाइनल टोटल स्टोर्ड एनर्जी विल बी। मतलब अपने को इनिशियल और फाइनल एनर्जी का रेशियो कैलकुलेट करके बतलाना है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो अपने पास सीधा सीधा हाफ CV स्क्वायर होगी। यस सर। फाइनल के केस में बात करें तो एक कैपेसिटर जो है ये अपने पास इसका कैपेसिटेंस है 3C और ये V बैटरी से कनेक्टेड है, तो U फाइनल में एक टर्म तो इसका आ गया अपने पास हाफ 3C इनटू V स्क्वायर। यस सर। दूसरा जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस तो 3C बन चुका है बट उसकी प्लेट्स पर अभी भी चार्ज जो है वो CV की इक्वल है। yes, तो इस वाले केस में जब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी Q² / 2C, तो इट इज C² V² / 2 × 3C। सो दैट वैल्यू कम्स एज 3/2 CV² प्लस CV² / 6। तो अपन एक काम करते हैं CV² / 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर तो बचा 3 और इधर बचा 1/3, दिस वैल्यू कम्स एज 10/3, तो 5/3
into CV square. Yes, sir. CV square apna, U initial will be half CV square plus half CV square. Yes, sir. Ya to apan half into 2C into V square bole, ya phir half CV square plus half CV square, that value is CV square. To U initial jo iska aa raha hai, this value comes as 5 by 3 into U initial. Yes, ratio apne se pucha gaya hai, U initial divided by U final, and that value is 3 by 5. Yes. That is the correct answer. So, if we talk about the correct answer, ki, then the fourth one is the correct answer. Chaliye ji sir, aage badhate hain baat ko. Each of the plates shown in figure has surface area. Area ki value is 96 by epsilon naught into 10 to the power minus 12 on one side, and separation between the consecutive plate is D ki value, हमारे पास 4 mm given. The EMF weight of battery is 10 volt. The magnitude of charge supplied by battery to each of a plate connected to it will be. तो इसके लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, जनरली यहाँ पे देखा जाए तो एक दो और ये तीन कैपेसिटर यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इसके जो प्लेटें हैं उनके फेस को नंबरिंग कर देते हैं, ये एक नंबर फेस, ये दो नंबर है, ये तीन नंबर है, और ये चार नंबर है, और ये क्या है पांच, और ये छह नंबर, और बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट को इसमें छोड़ देते हैं. यस सर, बिल्कुल लेफ्ट वाले को छोड़ दिया, बिल्कुल राइट वाले को छोड़ दिया. जी सर, अब हम क्या करेंगे, देखो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ में ये बैटरी लेते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ में नंबर वन प्लेट का एक नंबर फेस कनेक्टेड है, ठीक है, एक नंबर जो प्लेट है, एक नंबर फेस जो है उसके सामने फेसिंग जो है वो दो नंबर आ रहे हैं. अब देखो दो नंबर फेस और तीन नंबर फेस जो है वो एक एक्चुअली देखा जाए तो एक ही प्लेट से बन रहा है, तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये तीन नंबर फेस और दो नंबर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है. ठीक है सर, ये तीन नंबर फेस हो गया. अब तीन नंबर के सामने फेसिंग जो दूसरा फेस होगा वो क्या है, चार नंबर है. ठीक है, अब चार नंबर और पांच नंबर एक दूसरे से क्या है, फिर से कनेक्टेड है, तो ये पांच नंबर फेस डाल दिया हमने, और इसके बाद में पांच नंबर के साथ में ये क्या है, छह नंबर है. छह नंबर जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, छह नंबर दो और तीन के साथ, दो और तीन कहां पे है, ये है. ठीक है, और यहां पे देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो किससे, चारों पांच से कुछ ऐसे कनेक्टेड है. ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो देखो इसको पोटेंशियल को देखा जाए, आप मान ले, मान लो V1, और इसका पोटेंशियल हम लोग मान ले V2, तो V1 और V2 पोटेंशियल के बीच में ये भी और ये भी दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट बनेगा वो क्या हो जाएगा, देखो आगे बढ़ा लेते हैं, ये है C कैपेसिटेंस अपन कैलकुलेट कंसीडर करते हैं, और इसके साथ में ये क्या है, दो कैपेसिटर एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है. ठीक है, और इनके साथ में ये क्या है, बैटरी कनेक्टेड है. ठीक है, इसका बैटरी का वोल्टेज है V, तो ये C है और ये C है, दोनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2C आ जाएगा, और इसका कंप्लीट का जो इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा, ये 2C और ये C जो है वो सीरीज में है, इसका मतलब C इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा 2C by 3 आ जाएगा. ठीक है, अब देखो हमारे को चार्ज की बात करनी है, तो एक बार आप क्वेश्चन पे चलते हैं अपने को, तो यहां पर नेगेटिव जो चार्ज होगा Q, और यहां पर इसके ऊपर और चार नंबर और पांच नंबर प्लेट देखा जाए तो चार नंबर प्लेट ये है और पांच नंबर प्लेट कौन सी है, ये, तो ये चार नंबर प्लेट और ये पांच नंबर दोनों प्लेट जो है, ये वाली चार नंबर है और ये पांच नंबर है, ये दोनों क्या है, पैरेलल के अंदर है, पैरेलल में है, तो इसके ऊपर चार्ज क्यू बाई टू रहेगा और इसके ऊपर क्यू बाई टू प्लस का रहेगा, और इसके ऊपर क्या रहेगा, माइनस का क्यू चार्ज रहेगा. ठीक है, तो हमारे पास Q जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू C इक्विवेलेंट इंटू V V हो जाएगा, तो C की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2C by 3, तो यहां पर देखो Q इज इक्वल टू 2 C, C की वैल्यू क्या रखेंगे, A एप्सिलॉन नॉट बाई D और बाई 3. ठीक है, और ये V वोल्टेज देखो हमारे पास 2 by 3 into A की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या है, 96 by epsilon naught into 10 raised to power minus 12 है. ठीक है, और ये epsilon naught है और ये V volt की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 volt, और इसके डिवाइड में हमारे पास D जो है 4 mm मतलब 4 into 10 raised to power minus 3 कर देंगे. ठीक है, तो इसको अपन कैंसिल करते हैं,
24 epsilon node कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे ये 10^-3 से कैंसिल होगा, -9 होगा और -9 को 10 से मतलब -8 पावर, ठीक है, और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 8 × 2 = 16 × 10^-8 हो गया, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.16 × 10^-6 कूलम हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब 0.16 माइक्रो कूलम हमारा आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर भी अपन देखें तो थर्ड वाला आंसर करेक्ट आंसर। ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द विड्थ ऑफ ईच प्लेट इज बी, द कैपेसिटर प्लेट्स आर रिजिडली क्लैंप्ड इन अ लैबोरेटरी टू ए बैटरी ऑफ EMF epsilon, ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, द वैल्यू ऑफ कैपिटल M फॉर व्हिच द डाइलेक्ट्रिक स्लैब विल स्ट्रेन इक्विलिब्रियम विल बी। कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इक्विलिब्रियम में चाहिए, बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है, क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, यस सर, और फिर पोटेंशियल एनर्जी का x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा दैट विल बी द फोर्स, और F = mg अपन इक्वेट कर देंगे, यस सर। मतलब यदि क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ केस, यहां पर अपने पास डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है और ये कनेक्टेड है इधर कैपिटल M मास है। तो फर्स्ट मैं ये कहूं कि मान लो कैपेसिटर की ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, ये x है, यस सर, ये गिवन है अपने को कि दिस सेपरेशन इज d, तो ऑब्वियसली ये वाली जो लेंथ मेरे पास बचेगी, दिस लेंथ विल बी l माइनस x। तो यहां पर दो कैपेसिटर्स हैं, ये C1 और ये C2, और दोनों ही कैपेसिटर्स एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है, मतलब पैरेलली कनेक्टेड, यस सर। तो यदि मैं इसका C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करूंगा, दैट वैल्यू विल बी C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2, C2। यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा तो दिस विल बी हाफ C1 प्लस C2 इनटू V2, यस सर। तो फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, तो अब मेनली तो मुद्दा C1 और C2 का है, तो C1 की वैल्यू जो है दैट वैल्यू विल बी एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया की बात करते हैं, देखो ये प्लेट्स जो है वो एक्चुअली कुछ ऐसे हैं और ऐसे, यदि हमने इस लेंथ को x लिया है तो ये वाली विड्थ तो प्लेट की पहले से b गिवन है, मतलब C2 की वैल्यू में तो दिस विल बी k एप्सिलॉन नॉट इनटू b इनटू x डिवाइडेड बाय द सेपरेशन d, और इसमें ये वाली लेंथ जो है इधर वाली ये l माइनस x है, it is epsilon naught into area that is l minus x into में width b divided by d, तो u जो अपने पास आ रहा है that is half, c1 plus c2 की बात करेंगे तो epsilon naught b by d तो common है, तो ये data आ गया epsilon naught b divided by separation d into में l minus x plus kx, तो ये आ गया l minus x plus kx into में v square, हमारे question में epsilon square ले रखा है इसको, तो हम force calculate कर लेते हैं। फोर्स जो होता है वैसे वो माइनस du बाय dx होता है, yes, और ये फोर्स एक्चुअली आएगा भी नेगेटिव, और नेगेटिव का साइन केवल इतना इंडिकेट करेगा कि इस डाइलेक्ट्रिक जिस पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक फील्ड है ना उस पर लगने वाला फोर्स जो होगा दैट विल बी द अट्रैक्शन फोर्स, मतलब वो इस साइड में लगा होगा। तो f की जो वैल्यू मेरे पास आएगी दैट वैल्यू विल बी एप्सिलॉन नॉट b डिवाइडेड बाय 2d इनटू में v स्क्वायर, और साथ में डिफरेंशिएट किया तो l का डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया मेरे पास k माइनस 1। और यदि ये वाली वैल्यू मेरे पास इधर से सोचें तो यदि कैपिटल mg के इक्वल है तो स्ट्रिंग में टेंशन कैपिटल mg होगा और सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब मेरी कैपिटल m की वैल्यू जो आ रही है दैट इज एप्सिलॉन नॉट b v स्क्वायर k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2d g, और क्वेश्चन में v के प्लेस पर एप्सिलॉन काम में ले रखा है, तो इट इज एप्सिलॉन नॉट b एप्सिलॉन स्क्वायर k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2d g। करेक्ट आंसर में देखो देन फर्स्ट वन इज द चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। टेक द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी इन फिगर 2V0। हमारे को बी पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो वी जीरो कंसीडर कर रहा है, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट सी एंड डी इफ वी कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन सी एंड डी, व्हाट इज द चार्ज विल अपीयर ऑन दिस कैपेसिटर। तो देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या गिवन है, ये एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरेड और इसके सीरीज में ये क्या है 8 माइक्रोफैरेड, ठीक, और यहां पर 3 माइक्रोफैरेड और 8 6 माइक्रोफैरेड
6 microfarad. ये कॉम्बिनेशन हमारे को गिवन है, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। यहां से हमने एक 50 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। यहां जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट हम कंसिडर करते हैं और बी बी की वैल्यू जो है वो जीरो कंसिडर करने की बात करते हैं। अगर अपन बात करें ये 50 वोल्ट है तो यहां पे प्लस 50 हो जाएगा, बिल्कुल सर। ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 50 वोल्ट है तो यहाँ जीरो कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में ये कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों के ऊपर और इन दोनों के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो 50 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों, ये वाला और ये वाला, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, सी सीरीज में है, इसका मतलब इसके ऊपर और इसके ऊपर दोनों पे चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू वी होता है। अगर Q कॉन्स्टेंट है इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि सी वी क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा वो इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप हम लेते हैं V1 और इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप लेते हैं V2। तो V1 क्या हो जाएगा हमारे पास, V1/V2 तो हमारे पास आएगा C2/C1 which is equal to 2/1, ठीक है। तो यहां से V1 हमारे पास क्या जाएगा, 2/3 into total 50, तो ये 100/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां का पोटेंशियल 50 है, तो 50 में से हम लोगे अगर पोटेंशियल ड्रॉप 100/3 वोल्ट माइनस कर देंगे तो VC आ जाएगा। तो VC क्या हो जाएगा, 50 - 100/3 which is equal to 150 - 100/3 which is equal to 50/3 volt, ठीक। सिमिलरली अगर यहां पर बात करें तो यहां का पोटेंशियल क्या है, 50 वोल्ट है, और सेम इन दोनों का भी रेशियो क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप जो रहेगा वो V1 के इक्वली रहेगा और यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप जो रहेगा वो V2 सेम रहेगा। तो V1 हमने पहले ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है 100/3, तो 50 - 100/3 करेंगे तो यहाँ का VD का जो पोटेंशियल आएगा वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा सर, VD जो रहेगा वो भी VC के इक्वल आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब दोनों का वैल्यू हमारे पास क्या आंसर में रहेगा, 50/3 volt ही रहेगा, मतलब सेम पोटेंशियल। यस सर, इसमें इसका जो सेकंड पार्ट पूछा है कि अगर हम सपोज दैट सी और डी के बीच में हमें कोई कैपेसिटर लगा देते हैं, यहाँ पर अगर कैपेसिटर लगाएंगे तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि दोनों पॉइंट के पोटेंशियल, टर्मिनल के पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब ये कोई चार्ज सप्लाई नहीं करेगा, इस पे चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर, आंसर जो होगा देन फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, हां जीरो और 50/3 फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए सर, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले में कह रहा है दैट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 9 पिकोफैरड, द सेपरेशन बिटवीन इट्स प्लेट इज डी, इसका मतलब epsilon not a divided by d जो दे रखा है, that value is 9 picofarad, okay? Yes, sir. Again, the separation between the plates दे रखा है, the space between the plates is now filled with the two dielectrics, one of the dielectric is dielectric constant 3 and the thickness d/3 and the other one is the dielectric constant 6 and 2d/3, मतलब situation कुछ ऐसी है कि इसके plates के बीच में ये वाला जो space है ये है d/3 और ये वाला जो space है ये है 2d/3। तो यदि मैं इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करूं C1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू में एरिया डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, दैट वैल्यू कम्स एज 9 एप्सिलॉन नॉट a/d, बोले तो 9 C। Yes, C की वैल्यू जो अपने को गिवन है दैट इज 9 पिकोफैरड, दैट मींस दिस वैल्यू इज 81 पिकोफैरड। सिमिलरली यदि मैं C2 देखूंगा तो C2 की वैल्यू मेरे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है 2d/3, तो ये वाला जो डाटा है ये भी 9c के इक्वल ही आएगा, मतलब ये वाला भी 81 पिकोफैरड आ रहा है। अब ये वाला भी 81 पिकोफैरड, ये वाला भी 81 पिकोफैरड, मतलब दोनों इक्वल है और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में यदि दो कैपेसिटेंस कनेक्टेड होते हैं और वो भी इक्वल, तो इक्विवेलेंट जो होता है वो C'/2 या फिर C1 C2 को यदि मैंने C' कहा है तो C'/2, C' की वैल्यू है 81 पिकोफैरड, so this value comes as 81 picofarad divided by 2 and that value is 40.5 picofarad, so correct answer for this question is second one. चलिए जी सर, आगे बढ़ाते हैं बात को, question number 8 next. Voltage rating of a parallel plate capacitor is 500 volt, its dielectric
can withstand a maximum electric field of a 10 to power 6 volt per meter. The plate area is 10 to power minus 4 meter square. What is the dielectric constant if the capacitance is 15 picofarad? C की वैल्यू हमारे पास गिवन है 15 picofarad. अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की बात करें जिसमें K डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट वाला अपन ने एक मटेरियल फिल किया है तो उसकी कैपेसिटेंस होगी K एप्सिलॉन नॉट बाय d हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे को K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C d बाय K इनटू A एप्सिलॉन देखो हमारे पास एक चीज और यूज करनी है. E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है V by D होता है. ठीक है, तो यहां से D की वैल्यू हम जो है V by E की फॉर्म में एलिमिनेट कर देंगे तो ये वैल्यू K इज इक्वल टू क्या बना देंगे हम लोग C इंटू V by A एप्सिलॉन नॉट इंटू. अब यहां पे ये सारी वैल्यूज अपन पुट करेंगे. C की वैल्यू क्या है 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 फैरेड. इसके बाद में V की वोल्टेज कितनी है 500 है डिवाइड बाय. इसके बाद में अगर अपन एरिया की बात करें तो 10 की पावर माइनस 4 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 इंटू. E की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है सर 10 टू पावर 6 10 टू पावर 6. ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो माइनस 12 से माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा. ये माइनस 4 है 10 टू पावर ये 6 है तो ये दो जीरो और कैंसिल कर देंगे तो इसका मतलब हमारे पास कितना हो गया 75 बाई 8.85 ये आ जाएगा. तो इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 75 बाय अप्रोक्सीमेटली 9 ले लेंगे तो 8.5 हमारे पास 8.5 इज द फोर्थ का आंसर. ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है दैट अ कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड इज चार्ज्ड टू 5 माइक्रो कूलम. दैट्स नॉट 5 माइक्रोफैरड इट्स 5 माइक्रो कूलम. इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस टू 5 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड हाउ मच वर्क इज डन. मतलब एक कैपेसिटर है उसको अपन ने पहले चार्ज किया फिर उसकी प्लेट्स को पुल किया और प्लेट्स को रिड्यूस किया है सेपरेशन को प्लेट्स को पास में लेकर आए capacitance हो गया 2 microfarad and we have to calculate the work done. So in this case work done के बारे में कुछ भी नहीं पूछा. That means we have to calculate the external work done. और system का जो external work done होता है, that is U final minus U initial. Charge तो अभी भी constant है दोनों cases में. तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं पहले तो Q square divided by 2C1 C final minus Q square divided by 2C initial. Value put करें, it is 25 into 10 raised to the power minus 12. Divided by 2 into 10 raised to the power minus 6 minus 25 into 10 raised to the power minus 12 divided by 2 into 5 into 10 raised to the power minus 6. तो यहां से यदि अपन देखें तो कुछ values जैसे ये तो 10 की पावर माइनस 6 गया 25 into 10 raised to the power minus 6 divided by 2 तो common आ रहा है और ये वाला data 1 by 2 minus 1 by 5 that value is 0.5 minus 0.2 that is 0.3 ये कैंसिल आउट करने पर ये आ गया 12.5 तो ये 12.5 into 0.3 into 10 raised to the power minus 6 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3.75 into 10 raised to the power minus 6 जूल. तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को. 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड एनसी is connected to a battery of voltage V. Then the capacitor R fully charged. The battery is removed. After that, a dielectric material of a dielectric constant K is placed between the two plate of the first capacitor. The new potential difference of the combination system is. देखो यहाँ पे कुछ ऐसा कह रहा है कि एक capacitor है, इसकी capacitance है C और दूसरा capacitor है N into C. इन दोनों को हमने क्या पैरेलल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और ये V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है. ठीक है, तो अगर देखें C इक्विवेलेंट तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C प्लस N इनटू C व्हिच इज इक्वल टू C इनटू N प्लस 1. ठीक है, अगर हम बात करें इसके ऊपर चार्ज की तो चार्ज
कितना सप्लाई किया है दोनों पे, Q is equal to CV. तो Q is equal to C equivalent हमारे पास क्या है, ये C into N plus 1 into V voltage हमारे पास total charge battery ने supply किया है, ठीक है। तो हाँ, तो बच्चों देखो total charge supplied by battery हमारे पास Q is equal to C N plus 1 into V आ गया है। अब नए केस में जो ये है पहला कैपेसिटर, इसके अंदर K dielectric मटेरियल फिल किया है और दूसरा जो है उसके अंदर एयर है, तो इसकी एनसी हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एसी हो जाएगी। ये दोनों पैरेलल और बैटरी हटा दी गई, हटा दी गई है, तो ये ओपन सर्किट के अंदर इसको हम कंसीडर रखेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट नई कंडीशन में जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू केसी प्लस एन इनटू सीसी, ठीक है। तो चार्ज देखा जाए तो चार्ज तो कंजर्व रहेगा, तो टोटल चार्ज इसके ऊपर और इसके ऊपर जो है वो इसके टोटल चार्ज के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो अब देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज C into N plus 1 into V is equal to कॉमन पोटेंशियल, सपोज दैट इन दोनों के बीच में अपन V कंसीडर कर लेते हैं, V कॉमन, तो V कॉमन into इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, के इनटू सी प्लस बी कॉमन इनटू एन इनटू सी, ठीक है। ये दोनों इक्वल कर देंगे, चार्ज कंजर्वेशन कर दिया, तो वी कॉमन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से सी कॉमन, ये सी कॉमन लेके हम लोग क्या कर देते हैं, इसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एन प्लस वन बाई के प्लस एन आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर, तो यदि अपन करेक्ट आंसर की बात करें तो फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर। चलिए जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ये बोल रहा है दैट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट्स ऑफ एरिया एस एंड प्लेट सेपरेशन डी हैज कैपेसिटेंस सी1 इन एयर व्हेन टू डाइइलेक्ट्रिक ऑफ डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटीज एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू 2 एंड एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू 4, मतलब इस वाले एरिया में एप्सिलॉन 1, इसमें एप्सिलॉन 1, इसमें एप्सिलॉन 2 फिल कर दिया, और नए केस में जो कैपेसिटेंस है वो सी2 है और हमें सी2 / सी1 का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो मैं सबसे पहले C1 की वैल्यू तो रख ही दूं, C1 एप्सिलॉन नॉट S / D। यस सर। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन था इसको मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूं कि ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है और ये एक कैपेसिटर है, इसमें डाइइलेक्ट्रिक 2 है, इसमें डाइइलेक्ट्रिक 2 है और इस वाले पोर्शन में डाइइलेक्ट्रिक जो है मेरा 4 है। तो यदि मैं इसका कैपेसिटेंस लिखूंगा, लेट सपोज इसको मैं C कह दूं, तो इसका कैपेसिटेंस होगा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लेट एरिया S / 2 और सेपरेशन है D / 2, तो ये मेरे पास आएगा 2C के इक्वल। Yes, sir. इसके लिए यदि मैं बात करूंगा तो इट इज 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू में s / 2 डिवाइडेड बाय d / 2, इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस जो है मेरे पास वो है 4c के। Yes, sir. इस वाले में बात करूंगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट साथ में मेरे पास आ रहा है, एरिया जो है प्लेट्स का वो तो s / 2 है, सेपरेशन अभी भी d है, मतलब ये वाला डाटा जो है वो एप्सिलॉन नॉट s / d, मतलब ये c के इक्वल आ गया। Yes, sir. मतलब नया कॉम्बिनेशन जो है वो मेरे को कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि यहां 2c है, यहां 4c है और यहां मेरे पास C है। अब ये दोनों कनेक्टेड हैं सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट आएगा 4C / 3 और ये C के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, तो C plus 4C / 3 that value comes as 7C / 3, this is what C2। और रेशियो पूछा गया C1 / C बोल दो या सॉरी C2 / C बोल दो या C2 / C1 बोल दो, that value comes as 7 / 3। इसका मतलब इस केस का करेक्ट आंसर जो है वो 4th अपने पास आ रहा है। चलिए जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पैराग्राफ है ये, फिगर शोन ए सर्किट कंटेनिंग ए बैटरी एंड 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद आइडेंटिकल प्लेट सेपरेशन फिल्ड विद एयर, द कैपेसिटर लाई अलोंग एक्स एक्सिस एंड ग्राफ ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी अलोंग द वाई एक्सिस इज शोन इन फिगर। देखो हमारे पास जो डी जो है हर एक कैपेसिटर के लिए वो क्या सेम गिवन है, अच्छा पहले केस में तो केवल चार्ज ही पूछा है। यस सर, तो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो सीरीज के अंदर Q क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो Q1 Q2 Q3 क्या रहेंगे, सेम रहेगी, थर्ड आंसर रखा जाएगा। बिल्कुल सर, तो ये एक पैराग्राफ है जिस पर तीन क्वेश्चंस बेस्ड है। यस सर, चलिए एनालिसिस करते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाएं, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बोल रहा है यदि संधारित्र और प्लेटों का क्षेत्रफल A1 A2 और A3 है तब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो हमारे पास देखा जाए तो Q तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, Q कांस्टेंट है, इसका मतलब C V का मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो
C directly proportional क्या रहेगा, 1 by V रहेगा, ठीक है। तो C को हम क्या रखेंगे, A epsilon naught by D रखेंगे, D constant है, इसका मतलब A directly proportional हो जाएगा 1 by V, बिल्कुल सर। अब potential drop सबसे ज्यादा किस पे है, यहाँ पर देखो potential drop दोनों प्लेटों के बीच में, ये V1 है और ये दोनों का जो potential difference है वो क्या है, V2 के equal हो जाएगा, और इन दोनों potential के equal होगा वो V3 हो जाएगा, ठीक है। तो V3 हो गया C3 के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस, और V2 है वो C2 के ऊपर, और V1, तो यहां से अगर अपन ऑर्डर देखें तो V2 जो है वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद में हम उससे छोटा कंसीडर करेंगे V3 को, और सबसे छोटा क्या है, V1, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर ले लेंगे, किसके लिए, एरिया के लिए। तो A2 जो होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, फिर A3, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, A1। तो इसके अकॉर्डिंग अपना कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी सर, yes, आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर। यस सर, नेक्स्ट, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देयर प्लेट्स आर E1 E2 एंड E3 रेस्पेक्टिवली, देखो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है प्लेटों के बीच में, E1 E2 और E3, देखा जाए तो E इज इक्वल टू क्या होता है, V by D होता है, ठीक है सर। तो D तो सिमिलर है तीनों के लिए, इसका मतलब E का जो ऑर्डर रहेगा वो ही किसका रहेगा, V वाला रहेगा, ठीक है। तो V का ऑर्डर जो था वो क्या था, V2 सबसे बड़ा है, उसके बाद में V3 लिया, और उसके बाद में V1 लिया, ठीक है। तो यही ऑर्डर किसके लिए हो जाएगा, E2 सबसे बड़ा रहेगा, और उसके बाद में V3, और इसके बाद में क्या रहेगा, E1 सबसे बड़ा, बिल्कुल सर, ठीक है। तो इसके लिए ऑर्डर जो है वो E2 को सबसे बड़ा, और E3 और E1 दोनों से E2 से छोटा बता रखा है, तो इसके लिए हम सेकंड ऑप्शन, सेकंड करेक्ट आंसर, करेक्ट है सर। चलिए जी सर, आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोल रहा है कि रोज ऑफ कैपेसिटर कंटेनिंग 1 2 3 4 8 इनफिनिट कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 फैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AV इज 10 वोल्ट, मतलब एक 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड, यस सर। अब यदि मैं 2 फैरड को सी कर दूं, तो ये सी, ये वाला सी, ये वाला सी, ये सी, इस टाइप से चल रहा है, मतलब मैं कॉम्बिनेशन देखूं तो यहां सी है, फिर उसके बाद यहां पर मेरे पास सी बाई टू है, फिर यहां पर मेरे पास सी बाई फोर है, इसी टाइप से आगे चल रहा है, मतलब ये एक सीरीज चल रही है जिसमें सारे पैरेलली कनेक्टेड है, तो सी इक्वलेंट सी प्लस सी बाई टू प्लस सी बाई फोर प्लस सी बाई एट प्लस सी बाई सिक्सटीन, कुछ ऐसा, सी कॉमन 1 प्लस 1 बाई टू प्लस 1 बाई फोर, तो एक जीपी बन गई। इसका आंसर कॉमन रेशियो जो है, फर्स्ट टर्म इज द 1 एंड द कॉमन रेशियो इज 1 बाई 2, यस सर, सो 1 माइनस 1 बाई 2 इज 1 बाई 2, तो 2 ऊपर गया, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू जो अपने पास आ रही है इस केस में, दैट इज 2 सी, मतलब बोले तो 2 फैरड, मतलब टोटल कैपेसिटेंस जो आ रहा है वो 4 फैरड अपने पास आ गया। फिर ये कह रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, किस ब्रांच में, इस पर, फिर किस ब्रांच में, इन दोनों पर सेम होगा, यस सर, बट जितना इन पर होगा उतना इन पर थोड़ी ना, क्योंकि इस ब्रांच का तो इक्विवेलेंट है सी बाई टू, यस सर, और इसका है सी, तो ये सेम नहीं हो सकता, इस ब्रांच का इक्विवेलेंट है सी बाई फोर, यस, तो सेम तो हो ही नहीं सकता, तो मतलब सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। फिर थर्ड में कह रहा है चार्ज ऑन कैपेसिटर इन फर्स्ट रो इज मोर देन दैट ऑफ एनी अदर कैपेसिटर रो, अच्छा, चार्ज ऑन कैपेसिटर इन फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में जो चार्ज है, फर्स्ट रो में जो चार्ज होगा क्यू इज इक्वल टू दैट विल बी सी इनटू वी, सेकंड रो में जो चार्ज होगा दैट विल बी सी बाई टू इनटू वी, थर्ड रो में जो चार्ज होगा दैट विल बी सी बाई फोर इनटू वी, इसका मतलब फर्स्ट रो में जो चार्ज है वो हाईएस्ट है, बिल्कुल सर, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है। फोर्थ में कह रहा है कि एनर्जी ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स, तो नेट कैपेसिटेंस जो है वो 2C, मतलब 4 फैरड आ रहे, तो टोटल एनर्जी की बात करेंगे दैट इज हाफ इनटू में 4 फैरड इनटू V स्क्वायर दैट इज 100, वी कैंसिल आउट वन, सो दैट वैल्यू कम्स एज 200 जूल, जबकि हमारे ऑप्शन में जो गिवन है दैट इज द 50 जूल, दैट मींस इट इज इनकरेक्ट आंसर। चलिए जी सर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ ए प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन डी इज चार्ज टू ए पोटेंशियल वी एंड देन बैटरी इज रिमूव, देखो बैटरी को रिमूव करने की बात करता है, इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज और कांस्टेंट कंसीडर करता है, बिल्कुल ठीक है। नाउ ए स्लेव ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, इफ क्यू ई एंड डब्ल्यू डिनोट द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट एंड वर्क डन द सिस्टम इन प्रोसेस ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग द स्लेव, देखो अगर हम बात करें पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसकी C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, D हो जाएगा, ठीक है सर। अब एक बार क्वेश्चन को दिखाना सर, देखो
इसने V पोटेंशियल की बैटरी से कनेक्ट किया, इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो चार्ज सप्लाई Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इनटू V, इट्स मीन A एप्सिलॉन नॉट V बाई D, ये चार्ज इसको सप्लाई करेगी बैटरी, ठीक है सर। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या कर रहा है ये, हमें दूसरे केस में बैटरी को रिमूव कर दिया है, बैटरी को रिमूव कर दिया, इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो क्यों ले ही रहेगा। अब इसके अंदर के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक ही स्लिप इंसर्ट कर दिया है, तो अब नई जो सी जो होगी वो बेस क्या हो जाएगी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगी, लेकिन चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, तो इसके ऊपर नया पोटेंशियल की बात कर रहा है, नया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो देखा जाए तो E is equal to क्या हो जाएगा, V days by D हम consider कर सकते हैं, तो V days क्या हो जाएगा, V days जो होगा वो V by K हम consider करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा E, जो पहले की comparison में देखें तो ये क्या हो जाएगा E by K, E by K answer है, बिल्कुल सर, ठीक है सर। और fourth option जो है वो work done को लेकर है, work done की बात करें तो U final minus U initial करेंगे, तो U final की वैल्यू जो अपने पास आएगी that will be charge constant that is Q square upon 2KC, और U initial की बात करेंगे that is Q square upon 2C, तो work done will be U final minus U initial, तो Q square by 2C तो common आ गया, this value is 1 by K minus 1, yes sir, तो यहाँ से यदि अपन बात करें तो इन्होंने जो option में दे रखा that is 1 minus 1 by K, yes sir, that means sure shot it is incorrect, बाकी यदि अपन value put करते ना तो इसकी वैल्यू रख दो, जैसे Q by C की यदि अपन यहाँ से बात करें तो Q by C जो है वो V के इक्वल आ रहा है, यस सर, यहाँ से Q by C जो है V के इक्वल आ रहा है, तो ये वाला डाटा जो अपने पास आएगा दिस इज Q into में V डिवाइडेड बाय 2 1 by K माइनस 1, और Q की वैल्यू जो है वो इनिशियली हमने कैलकुलेट करके A epsilon not V by D, yes, तो ये डाटा आ गया A epsilon not V square divided by 2 D 1 by K minus 1, that will be the work done. अब work done by किसके थ्रू पूछा जाए ये इंपॉर्टेंट है, yes, sir. तो वो अपने से पूछा ही नहीं गया, दैट मींस द एक्सटर्नल पूछा गया, सर, और यदि बोले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कितना है तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करना। चलिए जी सर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसमें अपन ने इंट्रोड्यूस की है के, और 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द प्लेट कवर कर रहा है एज शोन इन द फिगर, द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सी व्हाइल दैट ऑफ पोर्शन विद डाइलेक्ट्रिक इज बिटवीन इज सी वन। अच्छा जी, मतलब टोटल कैपेसिटेंस जो है उसमें तो दो कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू C इन्होंने बोली है, yes, ये C1 बोला है और ये हो गया K epsilon not, एरिया है A by 3D, और यहां पर यदि मैं इसको C2 कहूं तो C2 की वैल्यू है epsilon not, एरिया हो गया 2A by 3 into में D, तो टोटल कैपेसिटेंस जो होगा जिसको C कहा गया है दैट इज C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 की वैल्यू यदि अपन कैलकुलेट करेंगे तो epsilon not A डिवाइडेड बाय 3D तो मेरे पास कॉमन आ रहा है K प्लस 2 हो जाएगा, तो ये साथ में अपने पास आ जाएगा K प्लस 2, तो C आ गया epsilon not A डिवाइडेड बाय 3D इनटू में K प्लस 2। अच्छा जी, एक तो C बाय C1 कैलकुलेट करना है, अच्छा तो C1 तो ये रहा, yes, तो C बाय C1 करना है मतलब epsilon not A डिवाइडेड बाय 3D इनटू में K प्लस 2 डिवाइडेड बाय K epsilon not A डिवाइडेड बाय 3D, तो epsilon not A बाय 3D से तो गया, तो ये वाला टर्म तो आ गया K प्लस 2 डिवाइडेड बाय K, दैट मींस ये वाला रेशियो तो इसका बिल्कुल सही, यस सर। अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा है कि इन पे चार्जेस का जो रेशियो है उसके बारे में बात की है, Q1 और Q2, तो चार्जेस का जो रेशियो होगा ना, देखो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यस सर, तो Q होता है CV, मतलब दोनों पे जो चार्ज होगा Q1 by Q2 दैट वैल्यू विल बी C1 by C2, ओ सॉरी C into V, Q is equals to CV not C by, तो Q1 by Q2 जो आएगा वो C1 by C2 आएगा, और C1 by C2 की वैल्यू जो अपने पास आ रही है that is coming as K by 2, इसका मतलब ये दे रखा है 3 by K, incorrect। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है ना, एक्चुअली क्या होता है कि ये वाला सेपरेशन कितना है D, ये वाला सेपरेशन भी कितना है D, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैं लिखूंगा दैट वैल्यू विल बी E1 into D, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यदि मैं लिखूंगा दैट इज E2 into D, और both of these capacitors are connected in parallel, yes, इसका मतलब मेरा V1 जो है वो किसके इक्वल है, V2, V1 V2 के इक्वल है, इसका मतलब E1 किसके इक्वल है E2 के, yes, तो E1 यदि E2 के इक्वल है तो E1 by E2 is 1, so correct answers are first and the fourth one,
चलिए नहीं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कह रहे थे प्लेट्स S and T of an uncharged parallel plate capacitor are connected across a battery. The battery is then disconnected and the charged plates are now connected in a system as shown in the figure. The system shown in the equilibrium. All the strings are insulating and massless. The magnitude of charge on capacitors की plates पे magnitude calculate करना। Yes. Analysis करने बैठे हैं। Diagram देख के बहुत भयंकर सा लग रहा है ना? Question बहुत आसान सा है। मान लो इसकी plates के ऊपर charge है Q. Yes sir. तो capacitor के एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q by 2 epsilon naught. Yes sir. और दूसरी प्लेट पर Q चार्ज है, तो किसी भी प्लेट पर तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, that will be Q square by 2 epsilon naught. Yes sir. और वो मेरे को सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब इधर टेंशन जो लग रहा होगा mg के इक्वल होगा, इस स्ट्रिंग में जो एक्सपेंशन होगा वो kx जो होगा वो भी mg के इक्वल होगा. Yes sir. मतलब ये वाला फोर्स यदि mg के इक्वल है तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में. यदि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो Q square की वैल्यू जो है वो अपने पास 2a epsilon naught into mg के इक्वल आ रही है. मतलब किसी भी एक प्लेट पर चार्ज यदि अपन कैलकुलेट करेंगे then that value will be 2a epsilon naught into mg और इसका अंडर रूट अपने पास आ जाएगा. यस सर. चलिए जी सर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या कहा है. दैट अ पार्ट ऑफ सर्किट इन अ स्टेडी स्टेट अलोंग विद द करंट्स फ्लोइंग इन द ब्रांचेस द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस etc शोन इन द फिगर कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. यदि मुझे कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी निकालनी है ना, तो मतलब मैं कैपेसिटर के अक्रॉस यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व. यस. अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो देखो इधर से 2 एम्पीयर और इधर से 1 एम्पीयर, इसका मतलब इधर से 3 एम्पीयर की करंट जा रही है. यस सर. इधर से भी 3 एम्पीयर की करंट जा रही है. इधर से 1 एम्पीयर और इधर से 2 एम्पीयर, इसका मतलब इधर से 3 एम्पीयर की करंट जा रही है. यस सर. अब मैं एक दो पॉइंट ले लूं. लेट्स सपोज दैट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी. तो VA माइनस VB इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर. यस सर. तो मैं लिखना शुरू करूं VA माइनस में रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में तो 15, फिर करंट की डायरेक्शन में तो माइनस 3, और फिर इस रेजिस्टेंस में करंट की अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस का 6 इज इक्वल टू वीबी. सो वीए माइनस वीबी कम्स एज दिस इज 18 माइनस 6, दिस वैल्यू इज 12. मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है. तो कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी जो होगी वो हाफ सीवी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर तो 144 एंड दिस वैल्यू इज 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6. ये कैंसिल आउट व टू टाइम्स, सो इट इज 288 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 जूल. या फिर यदि अपन दूसरे टर्म्स में 10 क्यूआर माइनस 4 में देना चाहें तो इट इज 2.88 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 जूल. दिस विल बी द स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर. चलिए जी सर, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करें. क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कह रहा था टाइम वेरिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू द क्लैंप्स ए एंड बी सच दैट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट इज शोन इन द फिगर. प्लॉट द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द रेजिस्टेंस ई एंड डी. E और D के अक्रॉस मेरे को टाइम डिपेंडेंसी चाहिए. क्वेश्चन देख के फिर वही देख के डराने वाली चीज है. बहुत सिंपल क्वेश्चन. यदि मैं इस कैपेसिटर में करंट की वैल्यू डिफाइन करना चाहूं तो इस कैपेसिटर में करंट की वैल्यू होती है dQ by dt और कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज होता है दैट इज C इंटू वी सी. C इंटू वी क्यू इज इक्वल टू, तो यहां से C तो मेरा कॉन्स्टेंट है और इनिशियल टाइम में जब मैं यहां तक की बात कर रहा हूं तो dVc by dC is another constant. Let's suppose the slope is m. Yes. तो इनिशियली करंट C into m होगी, मतलब इनिशियली इस टाइम तक कॉन्स्टेंट करंट फ्लो कर रही है. Yes, sir. तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मेरे पास I into R का होगा. Yes, sir. मतलब शुरू में यदि मैं इस टाइम को लेना चाहूं, let's suppose ये टाइम T note है. Yes, sir. तो T note टाइम पर तो constant. Constant, that is Cm into R. Yes, sir. M जो भी स्लोप होगी. Yes, sir. अच्छा, उसके बाद VC constant हो गया. Yes, when the time t is greater than t naught, VC is constant. यदि VC constant हो गया तो dVC by dt is zero. Zero. मतलब circuit में current हो गया zero. तो resistance के across जो potential difference होगा that will be again zero. तो एक simple सा question था. Okay dear, so capacitor में हमारी तरफ से इतना ही. Goodbye.